Hold up, baby. We should keep the peace before one of us blows up like TNT. Let's go. Finally, आज यानी कि 16 जून को हो गया है बिग बॉस OTT सीजन 2 का लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और आपने अब तक तो काफ़ी सारी न्यूज़ भी देख ली होगी जहाँ पर सलमान खान हमें नजर आए हैं बिग बॉस OTT सीजन होस्ट करते हुए। हमें सलमान नजर आएंगे बिग बॉस OTT सीजन 2 को। ऑरेंज शर्ट और ब्लू पैंट में सलमान ने मीडिया के साथ बातचीत की है जहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे सवाल और ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जिसे आपको सुनना बनता है। दोस्तों कल 17 जून है और कल 17 जून 9 बजे रात को जियो सिनेमा पर आप स्ट्रीम कर सकोगे बिग बॉस OTT सीजन 2 को। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर मीडिया के कुछ ऐसे सवालों का क्या जवाब दिया सलमान खान ने। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ना हो तो हम आपको बता दें कि आज एलिफेंट गेट फिल्म सिटी में बिग बॉस OTT सीजन 2 का लॉन्च रखा गया था जहाँ पर सलमान हमें दिखे ऑरेंज शर्ट और ब्लू पैंट में और एक बड़ी सी बस के ऊपर जिसके ऊपर लिखा हुआ था बिग बॉस OTT और जियो सिनेमा का लोगो लगाया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर मीडिया के कुछ सवालों के जवाब सलमान ने दिए, जहाँ पर कुछ मीडिया वालों ने कुछ ऐसे सवाल किए जिसमें से एक सवाल था कि क्या सलमान आपको OTT से अब प्यार होने लगा, आपको तो OTT से नफरत थी तो फिर ऐसा क्यों। तो सलमान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि करण और फराह खान बिजी है फिलहाल, इसलिए मुझे आना पड़ा है, वरना मैं तो OTT करता ही नहीं कभी। और फीस के बारे में जब सलमान से पूछा गया तो फीस के बारे में कुछ भी ना बताते हुए सलमान ने बस इतना कहा कलर्स के साथ मेरी इतनी बनती है तो उनका कहा हुआ मैं टाल सकता ही नहीं। और इसी तरह सलमान ने एक और सवाल का जवाब दिया जहाँ पर मीडिया ने पूछा कि क्या आप OTT में जो बिग बॉस टीवी शोज है वहाँ पर जिस तरह से हमें गुस्सा देखने मिला, जैसे कि आपने पारस छाबड़ा को अपने अंदाज में समझाया, उसी हिसाब से क्या हमें बिग बॉस OTT सीज़न 2 में देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं, कई सारे ऐसे चेहरे भी आने वाले हैं जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी हो, एक एक्ट्रेस भी है जो टीवी इंडस्ट्री की बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है। तो आप क्या OTT में अपना गुस्सा दिखा पाओगे, क्या आप अपना गुस्सा OTT में दिखाओगे? तो इसका जवाब देते हुए सलमान ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं अपने गुस्से पे पूरा कंट्रोल करूँगा और मैं ये OTT का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इतनी सारी गालियाँ बकी जाती है, इतना सारा कुछ किया जाता है, तो मैं OTT को पूरा ही बदल दूंगा और ऐसा होने ही नहीं दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप OTT पे देख रहे हो। ये यहाँ पर मैं अपना जो कल्चर है उस हिसाब से मैं इनको पूरा प्रिपेयर कर दूंगा, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप OTT पे देख रहे हो। जहाँ एक और सवाल किया गया सलमान से, क्या आपका कोई रिलेटिव्स है जो बिग बॉस में आना चाहता है यानी कि बिग बॉस OTT में आना चाहता है, तो क्या उसको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है आपसे बात करके? तो इसका जवाब देते हुए सलमान ने कहा, मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं मेरे रिलेटिव से, कई सारे दोस्तों से भी फ़ोन आते हैं कि हमें बिग बॉस में हमारी एंट्री करवा दीजिए। तो इसका जवाब मैं खुद नहीं देता हूँ कि मैं बिल्कुल इसमें टांग नहीं अड़ाता, ये काम कलर्स और एंडमोल का है, तो वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से बंदे अंदर जाएंगे। सलमान ने एक और बात कही कि अभी कौन अंदर जाने वाला ये तक मुझे पता नहीं है, जब सामने स्टेज पे होगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये जाने वाले हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यानी कि वायरल खबरी के साथ। कल से 17 जून से यानी कि रात को 9 बजे से जियो सिनेमा पर बिग बॉस OTT देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।